हेलो एंड मोस्ट वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइटिस, और इससे भी एक या दो क्वेश्चन आपके TGT PGT के एग्ज़ाम्स में आई जाते हैं। इवन सिविल एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से खूब ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ही हम पढ़ते हैं, इसी में लाइफ साइकिल भी होगी, हैबिट हैबिटेट्स भी मिल जाएंगे। सो आई रविकांत वेलकम यू ऑल इन दिस स्मार्ट सीरीज ऑफ इनवर्टिबेट जियोलॉजी। बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो फ़ायदेमंद है, इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। एक और रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट्स वीडियोस बना रहा हूँ, और बदले में बस इतना ही मुझे पे कर दीजिए कि सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी ग्रोथ और ठीक ठाक हो और मैं और अच्छे से वीडियोस प्रिपेयर कर पाऊँ। अदरवाइज़ वीडियो प्रिपेयर करने में भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो शुरू करें फिर एस्केल्मेंथेस, और इसकी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, जो हमने क्लासिफिकेशन वगैरह किया था, वहाँ पे तो हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। और क्लासिफिकेशन में अच्छे से हमने समझा था कि सुपर फाइलम का कॉन्सेप्ट क्या है ना, और क्या होते हैं फाइलम, कौन कौन से उसमें इंक्लूड होंगे सुपर फाइलम में। याद रखेंगे, आगे भी एक बहुत ही अच्छा वर्टिब्रेट वाला क्लास आने वाला है, जहाँ पे मतलब सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट होगा। सुपर क्लास वैसे और भी जगह मिलते हैं, बट पर्टिकुलरली हमारे क्वेश्चंस में सुपर फाइलम और सुपर क्लास दो वर्ड पूछे जाते हैं, जिनका रेस्पेक्ट बिल्कुल फिक्स होता है कहाँ से पूछा जाना है। शुरू करते हैं फिर कहानी को। सो आई रविकांत, चलिए मेरे साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है एस्कैरिस लुब्रिकॉइटिस की, और सिंपली इसको हम कॉमन राउंड वर्म भी कहते हैं। सो यू मस्ट नोट दिस कि कॉमन राउंड वर्म इज व्हाट, ये हमारा एस्कैरिस लुब्रिकॉइटिस है। आगे बढ़ाते हैं कहानी की स्टोरी को। पहले एक छोटा सा रिवीजन, और उसके बाद फिर पर्टिकुलर स्टोरी की ओर हम पढ़ते हैं। ओके, नेमेटोड्स कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट फाइलम नेमेटोडा ऑफ सुपर फाइलम एस्केल्मेंथेस। और ये जो सुपर फाइलम का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हमने बहुत 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 अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि बार बार सुपर फाइलम हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, बट मैं एक चीज़ बहुत 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 श्योर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि ये जो सुपर फाइलम का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये पुराने वाले क्या होते हैं उसमें जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वहाँ चल रहा था, बट लेटर ऑन इसको मॉडिफाई कर दिया गया, और ये सुपर फाइलम का कॉन्सेप्ट फिलहाल एक डिस्प्यूटेड बात हो चुकी है। तो एस्केल्मेंथेस अलग, और उसी का एक क्या होते हैं अलग करके नेमेटोड उसी में पार्ट बना दिया गया। तो सुपर फाइलम कुछ लोग अभी भी इसको कंटिन्यू करते हैं, बट कुछ लोगों ने एकदम स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं भाई, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, फाइलम मानिए, फाइलम के ही डिवीजन कर दीजिए मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है, सब फाइलम बना दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो एनसीईआरटी में भी, अगर जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, तो एनसीईआरटी में भी डिवीजन में इसको एकदम साफ सुथरा बना दिया गया है, और वहाँ पर आप इसको समझ चुके होंगे कि सुपर फाइलम का कॉन्सेप्ट फिलहाल वहाँ से हटा दिया, और ये जो एस्केल्मेंथेस हैं है ना, इनको क्या किया कि फाइलम ही बना दिया भाई, पर्टिकुलर फाइलम बना रहेगा। ओके गुड, तो ये डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आगे की कहानी देखते हैं। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फ्लैट वर्म और टेप वर्म्स, क्यों? क्योंकि भाई देखो, प्लेटीहेल्मिंथस से पहले तो वो बिलोंग करते थे, और या तो उनकी बॉडी डिस्टिंक्ट होती थी, फ्लैट होती थी या टेप लाइक होती थी। और इसके अलावा भी मॉडिफिकेशंस की बात करें, तो इसके अलावा भी वहाँ पे जो सिलोम की कंडीशन थी, वो बॉडी की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को लेके काफ़ी डिफरेंस था। हालांकि ये अभी भी जो एस्केल्मेंथेस के ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ अभी भी क्या है, ट्रू मेटामेरिज्म अभी भी यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा, वो एनालिड से स्टार्ट होगा। लेकिन मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं वो नीचे हम देख लेते हैं। सो दे आर डिफर और डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फ्लैट एंड टेप वर्म्स इन हैविंग सिलेंड्रिकल बॉडी, इन हैविंग सिलेंड्रिकल बॉडी, अ सुडोसील एंड अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
कंप्लीट का मतलब है पूरी तरह से माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, ठीक ठाक मॉडिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड दिस कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज लाइंड बाई एंडोडर्मल एपिथीलियम। सो आई थिंक कि आपको मॉडिफिकेशंस भी यहाँ पे दिखने को मिल गए होंगे पिछले ग्रुप के कंपैरिजन में। जहाँ भी दिक्कत हो आप मैसेज करिए, मैं आपको चैट बॉक्स में देख सकता हूँ, आपको रिप्लाईज कर दूंगा। ओके, और बाकी कहानी को शुरू रखते हैं, देखते रहते हैं। ओके सॉरी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्री लिविंग ओके इन सॉइल एंड वाटर, बट सम ऑफ देम आर पैरासाइट ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स, और ये अलग अलग तरह की बीमारियां करते हैं। हालांकि कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, बट कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं, बट हेल्थ हजार्ड्स कॉज करते ही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फीटल प्रॉब्लमेटिक, मतलब फीटल कंडीशन तक तो बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, और वहाँ तक पहुँच रहे हैं मतलब हम बहुत भयंकर वाले लापरवाह हैं, तभी ऐसा हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ओके, बट अ गुड नंबर ऑफ स्पीसीज आर पैरासाइट ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। ओके, species of genus Ascaris are large sized and inhabit the intestine of various mammals, जैसे कि human being में भी, और सबसे ज़्यादा बच्चों पर ये attack करते हैं जो खाने पीने से related है, मिट्टी में cyst इनके पड़े हैं, spore पड़े हैं, और बच्चे तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ नीचे रख के चलते हैं, so हमारे जो क्यूट बेबीज हैं उन पर ये ज़्यादा अटैक करते हैं। ओके, क्यूटी पाइज पे। ओके, द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट नोन मेंबर इज एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइटिस, जिसके की बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन डिटेल में करेंगे। इससे क्वेश्चंस आते हैं, अपना वो क्वेश्चन बैंक वाला जो मैंने कहा था, जब भी पढ़िए कंपटीशन के लिए तो क्वेश्चन बैंक उठा के रखिए और मेरे साथ क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके लार्वल फॉर्म से, इसमें कौन सा लार्वा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इसके एक्सक्रिटरी सिस्टम। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको बॉडी की पूरी इन्फॉर्मेशन कैसा दिखता है, अंदर से वो कैसा होता है, बनावट कैसी होती है, और इसके बाद लाइफ साइकिल, क्योंकि यही दो पोर्शन है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं और पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में, चाहे वो लेक्चररशिप का एग्जामिनेशन हो और चाहे वो फिर सिविल एग्जामिनेशंस हों, पीसीएस के डिफरेंट डिफरेंट हों, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लें, और बगल में आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे खूब ढेर सारे यहाँ पे लुम्ब्रिकॉइटिस आपको देखने को मिल रहा है। एस्केरिस एक छोटा सा कट किया जाए स्टमक में जो हाईवेली इन्फेक्टेड है, और इंटेस्टाइन आप कह लीजिए, स्टमक तो नहीं, इंटेस्टाइन, तो वहाँ से ये आप देख रहे हैं कितने सारे वर्म्स निकल रहे हैं, ओह माय गॉड। तो अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस कंडीशन में हम पहुंच सकते हैं कि छोटा सा ऑपरेशन करके इंटेस्टाइन से एस्केरिस को इस तरह से बाहर निकालना पड़े। तो मेरे ख्याल से आप आगे से सावधान रहेंगे फ्यूचर में, अपने बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी। हाँ, एडल्ट्स को थोड़ा सा कम प्रभावित करता है, बट बच्चों को तो भाई जी भर के करता है, ये याद रखेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन पे आ जाते हैं, फाइलम यहाँ पे नेमेटोडा है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो ये एस्केलेमेंथिस है, ठीक है ना। क्लास फेजमीडिया, ऑर्डर एस्कराइडी, सब ऑर्डर एस्केरिनी, फैमिली एस्केरिडी, जीनस एस्केरिस एंड स्पीसीज लुम्ब्रिकॉइटिस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टडी इन डिटेल हेयर। बॉडी वॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, सो बॉडी वॉल ऑफ द एस्केरिस इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, द फर्स्ट वन इज आउटर क्यूटिकल, द सेकेंड वन इज मिडिल एपिडर्मिस, एंड द थर्ड वन इज इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लाइनिंग द बॉडी कैविटी। और इनकी बॉडी वॉल में ना बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, बहुत बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्यूटिकल के साथ, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि सीधे फिगर पे आ जाऊं, फिगर के थ्रू समझाऊं, क्योंकि रिटन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और मुझे लगता है कि
इतना धैर्य बना के आप लोग पढ़ नहीं पाते होंगे, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, इट इज थिक टफ ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी लेयर सिक्रेटेड बाई अंडरलाइंग एपिडर्मिस एंड कंटिन्यूस विद क्यूटिकुलर फेरिंग्स एंड रेक्टम। तो ये पूरी एक आउटर सेफ्टी कवरिंग बनाते हैं, बट याद रखेंगे कि जैसे सांप, आपने वर्ड सुना होगा ना, स्नेक्स, सांप, और सांप की एक और चीज आपने सुनी होगी ना, केचुली। आई थिंक ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, नागिन, केचुली, सांप। यानी जब भी ये अपने क्या होते हैं पिछले स्टेज से थोड़ा सा ग्रो करते हैं साइज में और बढ़ते हैं, तो अपनी आउटर कवरिंग को शेड ऑफ करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही प्रोसेस यहाँ भी होता है, जो क्यूटिकल है, ये आउटर कवरिंग है। तो जब यंग वर्म्स माउल्ट करते हैं, यानी अपनी साइज बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी जब वो बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि क्यूटिकल जो होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, जिससे कि ग्रोथ हो जाती है साइज में। तो मेरे ख्याल से आपको ये केंचुली वाला सिस्टम अब समझ में आ रहा होगा। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, फोर डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ द केमिकल कंपोजिशन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द क्यूटिकल। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हैं। इसके पहले क्यूटिकल आप देखते थे, एक दो लेयर होती थी और उसके बाद उसके ठीक नीचे से एपिडर्मिस होती थी, वहाँ की लेयर्स शुरू हो जाती थी। यहाँ पे क्यूटिकल में ही खूब सारी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, और इसके अलावा एक फिफ्थ लेयर भी है। तो आप टोटल कितने लेयर्स कह सकते हो? आप कह सकते हो कि यहाँ पे टोटल 5 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी लेयर्स? टोटल 5 लेयर्स। आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ें फिर। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जमाना है, इसलिए ऐसा हो गया, अदरवाइज हमें वो भी देखने को ना मिलता। तो यहाँ पे वो 5 लेयर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले मैं वो 5 जो लेयर्स हैं यहाँ पे उसके बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से लेयर्स हैं, बाकी तो फिगर में हम देखेंगे ही। सो द 5 लेयर्स ऑफ द क्यूटिकल अलॉन्ग विद देयर सब डिविजन्स आर रिवील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एज फॉलोज। ए लिपॉइड लेयर, बी कॉर्टिकल और कॉर्टेक्स लेयर, सी मैट्रिक्स लेयर, डी फाइबर लेयर, एंड ई दैट इज द फिफ्थ वन, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, नाउ वी हैव टू लुक वन बाय वन ऑन दीज। लिपॉइड नाम से पता चल रहा होगा कि ये लिपिड लाइक कंटेंट को लेता है, और ये क्या करेगा कि फूड को, जैसे आपने देखा कि पीछे वाला टीनिया सोलियम था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे बॉडी सरफेस के थ्रू ये फूड को अंदर आने देते हैं, है ना, यानी एक्सचेंज करने के काम में आते हैं ये। भाई एंडोपैरासाइट हैं तो कुछ तो मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा, है ना। ऑस्मोट्रॉफी या ऑस्मोफिलिक, ऑस्मोट्रॉफी का मतलब जब बॉडी के सरफेस से ही अपना फूड वगैरह आए, डाइजेस्टिव सिस्टम गायब हो, जैसे कि आपने पिछला लेक्चर आपने देखा, वहाँ पे पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम गायब था, या तो बहुत पुअरली डेवलप होता है, तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी पचा पचाया भोजन मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये कहानी आपको समझ में आ गई है ना। चलिए तो मैं रीडिंग लगा देता हूँ, आप इसको नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, सुनने से याद हो जाएगा। सो लिपॉइड लेयर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ थिन ऑस्मोफिलिक मेम्ब्रेन एंड अबाउट 1000 एंगस्ट्रॉम थिक। सेकेंड वन इज द कॉर्टिकल और कॉर्टेक्स लेयर, इट कंसिस्ट ऑफ अ डेंस मटीरियल, इट इज नोन एज व्हाट, सिंपली हेरैटिन। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, यू मस्ट नोट दिस, इट इज नोन एज हेरैटिन। ओके, एंड रेजिस्टेंट टू द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द होस्ट, एंड दैट्स वाई इस ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे वो अपने आप को बचा लेते हैं, कैसे एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइटिस किसी भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म या किसी भी वर्टिब्रेट के इंटेस्टाइन में रहता है, और वहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होता और अपने आप को बचा पाता है, सेफ कर पाता है, अपने आप को जिंदा रख पाता है। तो याद रखेंगे, इट इज़ ड्यू टू द कॉर्टेक्स लेयर which have dense material, it consists of dense material called hieratin. तो hieratin की वजह से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर रहे हैं ना आप लोग, प्लीज नोट करते रहिए, hieratin की वजह से होता है। इट includes बेसिकली टू लेयर्स, hieratin मतलब ये जो कॉर्टेक्स वाला है, ये दो लेयर्स में होते हैं, एन आउटर कॉर्टिकल लेयर एंड इनर कॉर्टिकल लेयर। आउटर कॉर्टिकल लेयर lies as discontinuous stripes और रिंग अराउंड द बॉडी,
और इनर कॉर्टिकल लेयर कंटिन्यूस होती है। फिर हम मैट्रिक्स लेयर पे आ जाते हैं। मैट्रिक्स लेयर कंटेंस सल्फर रिच मैट्रिसिन। प्लीज नोट दिस, ये अभी तक ये जो लेयर है ना, लेयर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन में है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए इसको अलग से हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अदरवाइज क्यूटिकल पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो मॉडिफिकेशन है और क्वेश्चन यहाँ से खूब सारे बने हैं 2005 में, 2008 में, 13 में, 2015 में, है ना। तो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग क्वेश्चंस बने हैं। और अब 2016 का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी उत्तर प्रदेश TGT, क्योंकि यहाँ की सरकार मानती है कि बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, फिलहाल मजबूरी में करवाना पड़ रहा है उनको एग्ज़ाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स लेयर, इट कंटेंस सल्फर रिच व्हाट, मैट्रिसिन। ओके, सो यू मस्ट नोट दिस, मैट्रिसिन एंड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ भी क्या है, आउटर मिडिल एंड अंदर की बाउंड्री, तीन लेयर्स होंगी यहाँ पे, एंड कंसिस्ट ऑफ एन आउटर फाइब्रिलर लेयर ट्रैवर्स्ड बाय ब्रांचिंग कैनाल्स। तो ब्रांचिंग कैनाल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो इसको ट्रैवर्स करती हैं। दूसरा, अ होमोजेनस लेयर विच शोज सेवरल रेडियल स्ट्रिएशंस। तो रेडियल स्ट्रिएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी, बाउंड्री लेयर होगी यहाँ पे, बाउंड्री लेयर रिजेंबलिंग द आउटर कॉर्टिकल लेयर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फाइबर लेयर। तो फाइबर लेयर नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पे फाइबर होंगे और वो फाइबर होंगे कॉलेजन के। यहाँ फाइबर होंगे और फाइबर होंगे किसके भाई, कॉलेजन के। मेरी आवाज़ और वीडियो बिल्कुल सही जा रहा है? यस, परफेक्ट, गुड। सो इट कंसिस्ट ऑफ कॉलेजन फाइबर्स क्रॉसिंग ईच अदर एंड अरेंज्ड इन थ्री स्ट्रेटा। इट इज अरेंज्ड इन थ्री स्ट्रेटा, यानी तीन डिफरेंट स्ट्रेटा में ये अरेंज्ड होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर फॉर्मिंग द इनर लिमिट ऑफ द क्यूटिकल। तो बाहर से अंदर तक की ये लेयर्स थी। अब आ जाइए, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। Yes. तो अब ये जूम हो गया, आपको अच्छे से देख पा रहा होगा। देखिए यहाँ पे लेयर्स आप देख पा रहे हैं, ये है कॉर्टिकल और ये सबसे बाहर की लेयर है, ये सबसे बाहर की लेयर है, जो ये क्या है, लिपॉइड लेयर, उसके नीचे आउटर लेयर और फिर इनर लेयर। तो ये तीन मिल करके कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स लेयर यहाँ पे फिलहाल बना रहे हैं। इसके नीचे ये फाइब्रल फाइबर वाली आप लाइन्स देख पा रहे हैं, इसको ये फाइब्रिलर लेयर। इसके नीचे आप देख पा रहे हैं होमोजेनस लेयर, बाउंड्री लेयर, और ये मिलकर के आपकी मैट्रिक्स लेयर बना देती हैं। ठीक, फिर इनके नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो पर्टिकुलर कोलेजन फाइबर वाली लेयर आती हैं और सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आती हैं। सो ऊपर से नीचे तक ये सारे लेयर्स मिलकर के एक सिंगल क्यूटिकल बनाते हैं। व्हाट, दे एक्चुअली फॉर्म अ सिंगल क्यूटिकल। और फिर इसके नीचे बाकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट, सिंपली यू सी द सूडोसील स्ट्रक्चर। ये एक सिंगल सेल है जो कि सूडोसील बनाने में हेल्प करती है, उसको कहते हैं जायंट सूडोसीलोसाइट। तो ऐसी बहुत सारी सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ऐसा नहीं कि ये इकलौता होता है। सूडोसील का मतलब आपको पता है कि जो सिलोमिक कैविटी है वो यहाँ पे पर्टिकुलरली कैसी होने वाली है, वो फॉल्स टाइप की होगी, यानी टू सिलोमेटिक कंडीशन अभी भी डेवलप नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे जायंट सूडोसीलोसाइट एंड लेटरल एंड डॉर्सल टाइप के सूडोसीलोसाइट्स की पोजीशन देखने को मिलेगी इस पूरी बॉडी में आपको। ठीक है, एंटीरियर रीजन आपको देखने को मिल रहा है, एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला, किसका, सूडोसेल का। तो ऊपर से ऑब्जर्व करिए, ये लिप है यहाँ पे ऊपर की ओर सबसे ऊपर, और इसके ठीक नीचे फेरिंग्स, फेरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स के ठीक ऊपर आप ये देख पा रहे हैं एट द अपर पोजिशन, यहाँ पे डॉर्सल सूडोसीलोसाइट है और इसको जायंट सेल बोलते हैं, या यहाँ पे जो अलग से स्ट्रक्चर बना हुआ है बी वाला आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, सिंगल
यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, जिसके बीच में न्यूक्लियस और स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स बाहर निकले होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ये सिलोमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करते हैं या वहाँ पे प्रेजेंट होके अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। अब ये डॉर्सल सूडोसिलोसाइट के अलावा और भी यहाँ पे उस ग्रुप में लगभग 4 सूडोसिलोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे सिक्के पे होते हैं ना, 3 शेर के मुंह दिखते हैं, चौथा पीछे हिडन होता है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। तो 3 तो आपको यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, लैटरल साइड में भी होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल साइड में भी आपको सूडोसिलोसाइट यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जायंट होते हैं, बड़े होते हैं काफ़ी, जो एंटीरियर साइड में हैं ये बड़े होते हैं। तो ये जो जायंट सेल्स देख रहे हैं, जायंट सेल्स यहाँ भी होंगे, बट दीज आर व्हाट, लैटरल, ये साइड ब्रांचेस पे, ये साइड में प्रेजेंट है, तो दीज आर लैटरल सूडोसिलोसाइट्स। तो ये कहानी समझ में आ रही है। और उसके बाद ये सिलोम नीचे की ओर आता है और आप देख सकते हैं कि जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे भी आपको सूडोसिलोसाइट्स देखने को मिल रहे होंगे। मेरे ख्याल से सूडोसिलोसाइट्स की कहानी आपको समझ में आ चुकी है। सूडोसिलोसाइट्स जायंट कंडीशन में होते हैं, कहाँ पे, एंटीरियर साइड में, और वो 4 होते हैं और लगभग इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉडी कैविटी को फिर से अब यहाँ लगा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि 4 जायंट होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जब अरेंजमेंट में आप, क्योंकि एकदम राउंड बॉडी है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी है, जब आप उसको पलटते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रिवील से पता चलता है कि एक्चुअली 4 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब इसको कंप्लीट स्टडी किया बाद में पता चलता है कि ओके, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 5 जायंट सेल्स देखने को मिलते हैं एंटीरियर साइड में। खैर पढ़ते हैं आगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। बॉडी कैविटी और सूडोसिलोम, बिटवीन बॉडी वॉल एंड विसरल ऑर्गन्स देयर इज अ स्पेशियस फ्लूड फिल्ड कैविटी। वो खाली जगह जो है वहाँ पे फ्लूड है, लेकिन वो ट्रू सिलोमिक कैविटी नहीं होती है, याद रखेंगे। दिस कैविटी इज नॉट ट्रू सिलोम, क्यों नहीं है, उसके 3 रीजन साफ सुथरे यहाँ पे आपको मिलेंगे। इट इज नॉट लाइंड बाई एपिथीलियम, जो सिलोमिक एपिथीलियम है यहाँ पे नहीं होती है। तो पहली चीज तो यही है कि भाई एपिथीलियम तो होनी ही चाहिए, चाहे वो हमारे अंदर ही क्यों ना हो, आप देखते हैं कि एपिथीलियम तो होता ही होता है। दूसरा, अशरफ अली जी गुड मॉर्निंग, वेलकम, आपका स्वागत है। इट हैज नो रिलेशन विद रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स। सो जब भी सिलोम की कैविटी है और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव या एक्सक्रिटरी ऑर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर इनका कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनता है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ज़रूर है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू सिलोम। जबकि अगर आप अपनी ही बॉडी को देख लें तो क्या बोलते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैनाल सिस्टम्स हैं और वो परफेक्टली आपके पूरे के पूरे ट्रैक्ट में अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अशरफ जी, सर कोई सेगमेंटेशन का लेक्चर रिकॉर्ड है? सेगमेंटेशन का तो देखना पड़ेगा, आई थिंक अभी तक नहीं है, फ्यूचर में मैं, मुझे लगता है 1 या 2 दिन में ऐसा मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं कि सेगमेंटेशन का, और इसके अलावा 1-2 और टॉपिक हैं जिसके बहुत सारे वो मैसेज आ चुके हैं, तो बहुत जल्दी मैं कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ओके। थर्ड कंडीशन जो कि सूडोसिलोम इसको बनाती है, इस बॉडी कैविटी को, वो ये है, इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील, ठीक है ना। और ये प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस ईयर के PCS और इसके अलावा TGT, PGT एंड GIC लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के जो लेक्चररशिप की एग्जामिनेशंस होती हैं, उनमें कम से कम 5 बार तो रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पेपर पलट रहा था तो मैंने देखा कम से कम 5 to 6 टाइम तो ये रिपीट हो ही चुका है। कौन सा, कि यहाँ पे एस्करस लुम्ब्रिकाइटिस में सूडोसिल या जो वो कैविटी है वो डेवलप कहाँ से होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, प्लीज़ इसको नोट आप कर लेंगे, ब्लास्टोसील से ही यहाँ पे बॉडी कैविटी का डेवलपमेंट होता है। बॉडी कैविटी विल बी डेवलप्ड, विल बी व्हाट, क्या एकदम श्योर है कि बॉडी कैविटी
is developed from what? Blastocoel in Ascaris lumbricoides. In Ascaris lumbricoides, and that's why it is different from the real coelom cavities, or you can say the real coelom, the body cavity, real body cavity. तो ये चीज़ें डिफरेंट है, और ये क्वेश्चन में ये मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट जरूर कर ले रहे हैं इसे. दैट इज़ बिटवीन मीजोडर्मा एंड एंडोडर्मा ऑफ द एम्ब्रियो. दिस बॉडी कैविटी इज रिफर्ड एज सूडोसील और फॉल्स सीलोम. सूडोसील ऑफ एस्केरिस कंटेन फाइव जैंट स्टिलिट मेसेनकाइमल सेल्स नोन एज सूडोसीलोम या सूडोसीलोमसाइट्स. और इसमें से आप देख पाते हैं कि वो जो फाइव आप बात कर रहे हैं, फाइव सेल्स की बात कर रहे हैं, फाइव सेल्स पे आप देखते हैं कि नॉर्मली एंटीरियर साइड पे तीन जायंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े वाले. इसके अलावा दो आपको लेटरल साइड्स पे थोड़ा सा नीचे की ओर पोजिशन पे यूटरस के आसपास देखने को मिलेंगे. ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड पोजिशंस, यानी इनकी ये जो पांच हैं इनकी पोजिशन बिल्कुल फिक्स होती है. आउट ऑफ दीज द लार्जेस्ट सेल्स लाई ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फेरिंग्स एंड फॉर्म इट एक्सटेंड न्यूमरस थिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स इन द फॉर्म ऑफ फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन्स. दीज मेम्ब्रेन्स क्रॉस द कैविटी एट वेरियस प्लेसेस एंड फॉर्म डेलिकेट लेयर ओवर द विसरल organs and muscles of the body wall. Remaining stellate giant cells occur in the anterior third of the body, two in the relation with each other, lateral epidermal cord. In fact, pseudocoelom is a large intercellular space formed by the union of these coelomatocytes. अब सूडोसील की बात करें तो सूडोसील के अंदर होता क्या, इतना सूडोसील बवाल क्यों मचा रहा है? ठीक है, जायंट सेल तो हो गया, इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं. ये जो कैविटी है यहाँ पे ऑडरस प्रोटीन फ्लूड प्रेजेंट होता है, और इस ऑडरस प्रोटीन फ्लूड को हम पेरिएंट्रिक या इसको सूडोसिलोमिक फ्लूड भी कहते हैं. और इनका प्रॉपर फंक्शन ये होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका, मेटाबोलाइट्स का. प्लीज़ याद कर लीजिएगा कि सूडोसिलोम में जो प्रोटीन रिच फ्लूड है, और ये ऑर्डरस प्रोटीन होगी, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का. सो दे सर्व फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेटाबोलाइट्स एंड कीप द बॉडी डिस्टेंडेड. तो ये स्पेशल क्वालिटीज आपने नोट कर ली. इट इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 93% वाटर एंड रेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इंक्लूडिंग प्रोटीन, ग्लूकोज, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज लाइक सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट्स एटसेट्रा. बॉडी कैविटी की बहुत सारी बातें हो गई. ऑर्गेनाइजेशन को प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए. यहाँ से भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक्सक्रेटर सिस्टम का व्यू है, आप देख पा रहे हैं फिगर नंबर 7, है ना. लेट मी जूम दिस ताकि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ. और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो देखेंगे आपसे बार बार पूछा गया है कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस का, है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइटिस का एक्सक्रेटर सिस्टम उसका शेप कैसा है, जे शेप्ड, एल शेप्ड, सी शेप्ड, एच शेप्ड. आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो यहां पे देखिए, ये है एक्सक्रेटर सिस्टम एंड दिस इज व्हाट इंग्लिश अल्फाबेट का एच, ये क्या दिखा रहा है, एच शेप्ड. तो आप नोट कर लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे. ये बहुत बार रिपीट हो चुका है. मैंने कहा कि एस्केरिस से खूब ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये रिपीटेशन में एक्सक्रेटर सिस्टम वाला अब भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है कि इसका शेप कैसा है. तो रफली ये एच शेप ही दिखता है. रफली ये कैसा दिखता है, एच शेप, आप देख सकते हैं. ओके, तो ऊपर की ओर टर्मिनल डक्ट्स आप देख पा रहे हैं, एक्सक्रेटरी पोर्स राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ. बीच में यहाँ एक बड़ी सी न्यूक्लियाई है, ये एच आपको देखने को मिल रहा है. ओके, और नीचे की ओर भी राइट एंड लेफ्ट एंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कैनाल्स देखने को मिल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि एक्सक्रेटर सिस्टम अब आपको याद रहेगा कि किस शेप का है, एच शेप का है, कैपिटल एच. जो कैपिटल एच होता है बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलता है, और इस पर खूब ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं तो आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर. आगे बढ़ते हैं. इस साइड में ये
ए बी सी डी करके जो लेयर्स बनी हुई हैं आप फिगर नंबर 6 में देख सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो ए वाला है ये एलिमेंट्री कैनाल को दिखा रहा है, आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बी वाला कि इसको कट करके दिखाया है कि भाई अंदर फेरिंग्स के पास कट करके दिखाया, फेरिंग्स दिखता कैसा है, क्योंकि यहाँ फेरिंग्स की बनावट थोड़ी सी चेंज हो जा रही है। और इसके बाद सी वाले में इंटेस्टाइन का टीएस काट के दिखाया कि बॉर्डर लाइंस कैसी होती हैं, ठीक है। और फिर डी वाला इंटेस्टाइन का एक एक्सटेंडेड पार्ट कि यहाँ पे माइक्रोविलाई ब्रश लाइक बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं। चलिए ए वाले से बात करते हैं, ऊपर की ओर लिप अबाउट माउथ, ठीक है, और यहाँ पे ये अपना फूड वगैरह इंजेस्ट करते हैं फेरिंग्स के थ्रू, फिर ये अंदर आपके इंटेस्टाइन में आता है, और ये पूरी की ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब यहाँ एस्कैरिस का एलिमेंट्री कैनाल है, ये वेल डेवलप है, यानी अच्छे से बना हुआ है, यानी यहाँ पे ऊपर ओपनिंग है माउथ के पास भी, और नीचे रेक्टम, रेक्टम के ठीक नीचे भी एक पोर है जहाँ से वेस्ट मटेरियल्स बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा एलिमेंट्री कैनाल जिसमें दो ओपनिंग हो, एक तरफ से फूड अंदर आए और दूसरी तरफ से फूड जो अनडाइजेस्टेड, जो हार्मफुल कह सकते हैं, जो कि काम का नहीं है, वो जब बाहर निकले, तो सिंपली आप उसे क्या कह सकते हो कि वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसा वर्ड आप यूज़ करते हैं, नॉर्मली इसीलिए यूज़ किया जाता है। अब फेरिंग्स पार्ट को अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको देखा जाए, इसको ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें, तो ये जो बी स्ट्रक्चर है ये इसी को दिखा रहा है। बीच में ल्यूमेन है, यानी खाली जगह है जहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं इसकी स्पेशल क्वालिटी, यहाँ जो ल्यूमेन है वो ट्राइंगुलर शेप में है, इसको ट्राई रेडिएट कह सकते हैं, ट्राई रेडिएट ल्यूमेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये ट्राई रेडिएट ल्यूमेंस जो हैं स्ट्रिएटेड मसल्स या रेडियल मसल्स आप कह सकते हैं, रेडियल मसल्स से जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो और एक स्पेशल क्वालिटी है, मैं जूम कर देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, वैसे तो फिगर बिल्कुल मैं साफ सुथरा ऐड किया है मैंने, बट बिल्कुल अब आप ऑब्जर्व करें, देखिए रेडियल मसल्स के अलावा आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जो ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर है सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू ये जाके बॉडी कैविटी पे जुड़ते हैं, तो दीज आर व्हाट, दीज आर सिंपली नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज, दीज आर व्हाट सिंपली नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज। तो ट्राई रेडिएट ल्यूमेन कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू मेम्ब्रेन से जुड़ता है या मार्जिन पे जाके जुड़ रहा है, तो इसको मार्जिनल फाइबर्स भी बोला जाता है। बीच बीच में आप देख पा रहे हो, बीच बीच में क्या फेरिंजियल ग्लैंड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आ जाइए सी वाले पोर्शन पे, सी वाला पोर्शन क्या है कि इंटेस्टाइन के किसी बीच वाले पार्ट को फेरिंग्स के अलावा बीच में कट करके देखने की कोशिश की गई है, तो इसमें आपको लेयर्स साफ सुथरी दिख रही हैं, एक बाहर है वो तो क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी ही, इसके अलावा यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स हैं, लाइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल्स हैं लेकिन पर्टिकुलर एक लाइनिंग नहीं बना रही है, लाइनिंग इन द सेंस कि अंदर की थीलियल्स नहीं प्रेजेंट है, और जब अंदर थीलियल्स नहीं लाइन करती हैं सीलोम को, तो वो सूडो सीलोम की कैविटी कही जाएगी, आप पीछे ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। तो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं यहाँ पे लेकिन थीलियल सेल्स यहाँ पे एब्सेंट हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, बट दे आर नॉट व्हाट माइक्रोविलाई टाइप ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इंटेस्टाइनल सेल्स की ही प्रोजेक्शंस आ रही हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, एक तरह का मॉडिफिकेशन है, जैसा ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए। तो डी वाले में इसी को एक्सटेंड करके दिखाया कि ये ब्रश बॉर्डर कहा जाता है, जो ऐसे एक्सटेंड फॉर्म्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्स कहते हैं, और आपको इसका फंक्शन ऑलरेडी नोन हो चुका है, इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नर्वस सिस्टम को देखते हैं, नर्वस सिस्टम में यहाँ थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया और पीछे वाले ऑर्गेनिज्म से ये थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में ठीक ठाक एडवांसमेंट आ गया, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हो गए पर ठीक ठाक, और यहाँ सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स ये याद रखेंगे, यू मस्ट नोट दिस कि भैया यहाँ पे जो है सेंस ऑर्गन्स ना बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं और कई तरह के सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, मैं आगे आपको सेंस ऑर्गन की भी एक स्लाइड दिखाऊंगा,
मतलब कि एटलीस्ट आपके लिए नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो लोग सिविल वगैरह दे रहे हैं उनको नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और जो क्या होते हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह दे रहे हैं उनके लिए तो एक बार वो सुन लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ए वाला जो है ये डॉर्सल व्यू है, सामने एंटीरियर एंड ऊपर वाला हिस्सा और डॉर्सल व्यू है, ठीक है, और बी वाला क्या है पोस्टीरियर एंड है और लेटरल व्यू है, साइड व्यू है। तो दोनों को देखते हैं और समझते हैं। अब ये ऊपर वाले में आप देख पा रहे हैं कि ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दिस इज लेबियल पैपिली, ठीक है, लेबियल पैपिली। लेबियल पैपिली नीचे आते हैं और नर्व लाइक स्ट्रक्चर पे सबसे पहले तो ये जुड़ते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं नर्व रिंग, क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, नर्व रिंग। अब ये जो नर्व रिंग है इससे बहुत सारे प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं, जो क्या होते हैं आगे की ओर एक्सटेंड होते हैं, बढ़ते हैं, इनको नर्व कॉर्ड्स कहा जाता है। नर्व रिंग से जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं यानी जो सिस्टम पूरा बना हुआ है यहाँ पे नर्वस सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड्स। तो वो पर्टिकुलर न्यूरॉन से बनी हुई कॉर्ड आगे की ओर जाते हैं, फिर नर्व कॉर्ड्स नर्व रिंग पे जहाँ जहाँ आके जुड़ते हैं वहाँ पे एक राउंडेड मास स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको पता है जब वो जुड़ते हैं मास स्ट्रक्चर बनाते हैं एक साथ तो गैंग्लियन होता है, इसी तरह से प्लेक्सस वर्ड भी मैंने आपको पहले बताया था। तो ये सब डॉर्सल गैंग्लियन, लेटरल गैंग्लियन, डॉर्सल गैंग्लियन, इस तरह के खूब ढेर सारे गैंग्लियन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो गैंग्लियन है ये मिल करके क्या करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी सरफेस में, एंटायर सरफेस पे एनस तक जाते हैं, फ्रॉम माउथ टू द एनस। और ये इसीलिए इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े हैं उससे एडवांस कैरेक्टर शो करने वाला बन जाता है। बगल में आप पोस्टीरियर एंड देख पा रहे हैं मेल का, और यहाँ पे आप मेल इसलिए दिखाया कि यहाँ पे क्या है स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे स्पिक्यूल्स पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई स्पिक्यूल्स एस्केरिस में कहाँ प्रेजेंट है, तो मेल के टेल एंड पे एकदम लास्ट वाले एंड पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है, इंटेस्टाइन के पास आप देख रहे हैं ये ऊपर से आए हुए आपके नर्व कॉर्ड्स हैं, नर्व कॉर्ड्स बिल्कुल जुड़ भी रहे हैं आपस में, और ये नर्व एंडिंग्स बाहर निकल करके क्या कर रहे हैं प्री एनल पैपिली बना रहे हैं। यहाँ पे लेबियल पैपिल, लेबियल मतलब माउथ, माउथ के पास, मुंह के पास, है ना, और एनल का मतलब कि लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पे, तो प्री एनल पैपिली और यहाँ पे लेबियल पैपिली दोनों ही यहाँ पे डेवलप हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है अच्छे से, ठीक है। फिर एकदम क्या होते हैं ये एनल पोर्शन के नीचे का पार्ट है, तो एनल के बाद अगर कोई चीज प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे पोस्ट एनल, पहले होगा तो प्री एनल और बाद में होगा उस एनल पार्ट के बाद में होगा तो उसको हम क्या, यानी एनस के बाद होगा तो उसको क्या बोलेंगे पोस्ट एनल। तो नीचे भी एक पैपिली है, वो पोस्ट एनल पैपिली एकदम टेल के टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ऑब्जर्व दिस, दिख पा रहा है ना सबको, ओके, जहां भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना दोबारा। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे एनल पार्ट के पास स्पिक्यूल है, पोस्ट एनल पैपिली, प्री एनल पैपिली, तो ये है इनका डेवलपमेंट विद रेस्पेक्ट टू द क्या नर्वस सिस्टम। आपने देखा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये बहुत अच्छे से नर्वस सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसके पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में इतना अच्छा नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे, जरूर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑर्गन से खूब ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चेंजेस हैं इसकी बॉडी में, एंड दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो अर्थवर्म के बारे में तो आपको पता ही है, अर्थवर्म के तो एक एक सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन बनता है, क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ना तो भाई, आगे बढ़ते हैं तो खुशी खुशी पढ़िए बिना दुखी हुए। सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एस्कैरिस आर सिंपल एलिवेशंस सप्लाइड बाई नर्व्स, सिंपल एलिवेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बट हाँ सेंस ऑर्गन बने हैं, यही खास बात है कि भाई कम से कम यहाँ पे सेंस ऑर्गन बने हैं, इसके पहले बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते थे।
हाँ किसी लार्वल स्टेज में कहीं आईज दिख गए, कहीं कुछ दिख गए, बट दे आर नॉट परफेक्टली स्पेशलाइज्ड. यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हो गए बट दे आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स एंड दे इंक्लूड पैपिली, जैसा कि आपने पीछे दिखा. इसके अलावा एम्फिड्स एंड फैस्मिड्स. एम्फिड में मैंने देखा था, क्वेश्चन पेपर पलटा होता था, एम्फिड कई बार रिपीट हो चुका है. इसके अलावा यहाँ पे पैपिली और फैस्मिड भी है, तो हम पढ़ेंगे तो सबको. पैपिली से शुरू करते हैं. पैपिली आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल विलाई सिचुएटेड ऑन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. जैसे लेबियल पोर्शन में है तो इसको बोलेंगे लेबियल पैपिली. सर्वाइकल पार्ट में है तो सर्वाइकल पैपिली. एनल पार्ट में है तो एनल पैपिली. समझ में आ रहा है? ओके आगे बढ़ते हैं. लेबियल पैपिली दीज आर फॉर्म्ड बाई द सेंसरी सेल्स सराउंडिंग बाई मेनी सपोर्टिंग सेल्स. दीज आर गस्ट्रेटो रिसेप्टर्स. खाने पीने से है ना, गस्ट्रेटो स्पिक्यूल्स. आप कह रहे हैं स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? ओके आप जानना चाहते हैं स्पिक्यूल्स क्या कहते हैं. ओके अमन गुड मॉर्निंग बेटा. स्पिक्यूल्स एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हैं एनस के पास, और ये केवल मेल में प्रेजेंट होता है. यू कैन ऑब्जर्व हियर, इट इज ए स्ट्रक्चर, हुक करने के भी काम आता है कई बार, और ये मेल में प्रेजेंट होता है. आप याद रखेंगे ये मेल में प्रेजेंट होता है. इस पर भी क्वेश्चन आएगा, फर्टिलाइजेशन में भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं इससे. तो हम बात कर रहे थे पैपिली की, आ जाइए तुरंत फिर से. लेबियल पैपिली गस्ट्रेटो रिसेप्टर टाइप के होते हैं, यानी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों को ये रिसीव करते हैं, स्वाद वगैरह आप कह सकते हैं. खैर आगे बढ़ें. गस्ट्रेटो रिसेप्टर एंड प्रेजेंट ऑन थ्री लिप्स सराउंडिंग माउथ. तो लिप्स के पास होते हैं, ठीक है ना, और ये जो माउथ को सराउंड करते हैं वहां पे आपको लेबियल पैपिली मिलेगा. तो स्वाद वगैरह के लिए आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन है. सर्वाइकल पैपिली की बात कर लें तो डॉर्सल होते हैं, 2 मिलीमीटर के होते हैं और लिप के नीचे होते हैं, एक पेयर होते हैं एंड दीज आर टेक्टाइल ऑर्गन्स. एनल पैपिली की बात कर लें तो ये वेंट्रली बिलो द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल, 5 pairs of post anal papilli and 50 pairs or of pre anal papilli. जो स्पिक्यूल के ऊपर वो प्री होता है, जो स्पिक्यूल के नीचे वो पोस्ट होता है. ओके इज इट क्लियर? ओके एम्फिड्स की बात कर लें, दे हेल्प इन कॉपुलेशन. याद रखेंगे एनल पैपिली, एनल पैपिली कॉपुलेशन. अशरफ जी आप पूछ रहे थे कि नॉर्मली ये करते क्या है, मतलब स्पिक्यूल्स का काम क्या है. वो एक्चुअली हुकिंग के काम आता है, हुक करने के काम आता है. और वहां पे आप एनल पैपिलीज देख रहे हैं तो ये हेल्प करेंगे किसमें, कॉपुलेशन में. तो स्पिक्यूल्स और ये जो पैपिली हैं ये मिल करके रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इसलिए मैंने कहा था जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतने तो आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप बीएससी एमएससी में होंगे तो आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा. आगे बढ़ते हैं एम्फिड्स की देखते हैं. ऑन ईच लेटरो वेंट्रल लिप अ सिंगल एम्फिड इज प्रेजेंट नियर अ सिंगल पैपिला. क्या है भाई, सिंगल एम्फिड होगा, ये याद रखेंगे आप. सिंगल एम्फिड इज प्रेजेंट नियर द सिंगल पैपिला. दीज आर गस्ट्रेटरी सेंसरी. दीज आर गस्ट्रेटरी सेंसरी, इसका मतलब होता है केमिकल रिसेप्ट. जो खाने पीने वाली चीजें हैं या उसमें जो केमिकल्स होंगे उनकी बात हो रही है. तो दीज आर सिंपली वॉट, कीमो रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर्स, यू जस्ट नोट दिस. ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कीमोरिसेप्टर ऑर्गन यहाँ पे कौन है, एम्फिड है. एकदम पर्टिकुलरली पूछा जाता है एम्फिड्स, ठीक है. सी है फैस्मिड्स. अमन कह रहे हैं कब होगा बेटा, ठीक है आपकी क्लास एज यूजुअल टाइम टेबल के हिसाब से होगी, है ना. कभी कभी मैं भी ह्यूमन बींग हूँ बेटा, कभी कभी मुझे भी हेल्थ इशू हो जाती है. ओके सो डोंट वरी, जब अगर मुझे हेल्थ इश्यूज नहीं होंगी तो आपकी क्लासेस एज वेल टाइमिंग के हिसाब से होंगी, डोंट वरी. ओके चलिए भाई फैस्मिड्स पे आ जाइए. दीज आर कीमोरिसेप्टर्स
यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, दीज आर कीमो रिसेप्टर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स ओपनिंग वन ऑन आइदर साइड ऑफ द टेल। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, एम्फिड और फेस्मिड, एम्फिड एंड फेस्मिड, एंड यू मस्ट बी क्लियर विद दिस। एम्फिड, एम्फिड ये भी क्यूमर रिसेप्टर है, यानी गस्टेटरी सेंसरी ऑर्गन ही है, बट ये माउथ पोर्शन के पास होता है, लिप्स के पास होता है। और फेस्मिड भी एक तरह के आप कह सकते हैं कि ये क्यूमर रिसेप्टर सेल्स हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं ये नॉर्मली आप कह सकते हैं कि ये कहाँ पे टेल रीजन के पास प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फिड और फेस्मिड की लोकेशन आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने सेल्स पाए जाते हैं उसमें, क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ एस्कैरिस वगैरह में, कहीं पे 600 होता है, कहीं पे 1000 लिखा रहता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लें और उसके बाद फिर लाइफ साइकिल को हम देख लें। सेक्सेस इन एस्कारस आर सेपरेट। अभी तक हम देख रहे थे हर्मोफ्रोडाइटिक कंडीशंस हो रही थी, यानी एक ही बॉडी में मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते थे। बट नाउ हियर ऑन, अब आगे के कुछ ऑर्गेनिजम्स में फिर से आपको, जैसे अर्थवर्म वगैरह में फिर हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन मिलेगी, लेकिन वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे मेल और फीमेल बॉडी बिल्कुल अलग होती है, और देख के हम बता सकते हैं। मेल यूजुअली शॉर्ट होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, और स्पिक्यूल्स आपने याद की होगी जो एनल टेल पे है, वैसा स्ट्रक्चर फीमेल में एब्सेंट हो जाता है, और फीमेल की बॉडी काफ़ी लंबी होती है, कॉइल्ड हो जाती है। खैर आगे देखते हैं। सेक्सेस इन एस्कैरिस आर सेपरेट एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेल डिफाइंड। इट मीन्स कि आप देख करके बता सकते हैं, है ना, देख के बता सकते हैं। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स, दे पजेस अ रिकर्ड ने कर्व होता है ना, वही मैंने कहा कि ये क्या होते हैं, ये ऊपर से आते हैं और नीचे आके ऐसे कर्व बनाते हैं इस तरह से, और कई बार जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छा सा ऐसा कर्व बनाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर है तो कर्व्ड है। सो सिंपली दे पसेस अ रिकर्व्ड टेल विद प्री एंड पोस्ट एनल पैपिली। ठीक है, क्लोका एंड अ पेयर ऑफ स्पिक्यूल्स, जैसे कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पेनियल सिटी। गुनेड आर टिपिकली लॉन्ग कॉल्ड एंड ट्यूबुलर एंड दे आर अटैच्ड एट द जेनाइटल पोर इन द फीमेल। फीमेल में याद रखेंगे, ये यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, फीमेल में जेनाइटल पोर पे ये जुड़े होंगे और मेल पे ये क्लोका में जुड़े होंगे। ठीक है, जेनाइटल पोर और क्लोका में एकदम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ये आप याद रखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अब बात कर लें, पहले एकदम अच्छे से समझ लें, एक एक पार्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल के पार्ट यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट हैं, तो आप भी एकदम सेपरेटली इसको समझ लीजिए। ओके, दीज आर कन्फाइंड टू पोस्टीरियर हाफ ऑफ द सूडोसिल। टेस्टिस पहला जो यहाँ पे देखने को स्ट्रक्चर मिलता है, सो देयर इज अ सिंगल टेस्टिस, अ कंडीशन टर्म्ड एज मोनो, और आप बताइए सिंगल होगा तो क्या होगा, मोनो ही तो बोलते हैं ना, जैसे एक ही ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोर्किक, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक ही टेस्टिस है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोर्किक, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू डायोर्किक और टू टेस्टिस कंडीशन फाउंड इन सम नेमेटोड्स। एस्कैरिस लेम्ब्रिकॉइटिस में मोनोर्किक कंडीशन होती है, यानी एक ही टेस्टिस होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी बहुत बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, और यहाँ तक अभी तक कोई खास आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, इन इट एक्सटेंड्स टू द मिडल ऑफ द बॉडी एंड हैज द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाईली ट्विस्टेड ट्यूब। तो हाईली ट्विस्टेड ट्यूब के फॉर्म में यहाँ पे आपको बहुत आराम से विजिबल होता है,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एकदम साफ साफ दिखता है। वॉल ऑफ टेस्टिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स कवर्ड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेंट्रल एक्सिस ऑफ द टेस्टिस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकस अराउंड विच आर क्लस्टर्स ऑफ अमीबॉइड स्पर्म्स। तो यहां पर स्पर्म्स कैसे हो गए, अमीबॉइड हैं, अमीबॉइड स्पर्म। देखिए आप देख रहे हैं कि हर दूसरी लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है और उसका आंसर भी साथ में मिल रहा है। तो यहाँ पे स्पर्म कैसा हो गया, अमीबॉइड टाइप का हो गया इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सी देयर इज नो ल्यूमेन, यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। ओके वैसे डिफरेंस डिस्टल पार्ट ऑफ द टेस्टिस कंटिन्यूज इन अ शॉर्ट थिक ट्विस्टेड ट्यूब इज कॉल्ड वैसे डिफरेंस। ठीक है, वैसा डिफरेंस ह्यूमन बीइंग अब यहां से इवॉल्व, इसके पहले भी आपने देखा था वैसा डिफरेंस, वैसा इफरेंस बन रहा था, यानी आप कह सकते हैं कि प्लेटी हेलमिंथिस से ये स्ट्रक्चर्स बनने शुरू होते हैं। कौन, वैसा डिफरेंस और वैसा इफरेंस, और ये ह्यूमन बीइंग तक जो कि एनिमल्स में सबसे एडवांस माने जाते हैं, यहां तक ये कंडीशंस देखने को मिलती है। हालांकि अलग अलग ग्रुप्स में वैसा डिफरेंस और वैसे इफरेंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होते चले जाते हैं, हर जगह एक जैसा ही नहीं होता, लेकिन बेसिक फंक्शन वही है, स्पर्म को कैरी करना, स्पर्म को स्टोर करना, स्पर्म को कैरी करना, बेसिक फंक्शन लगभग एक ही जैसा होता है। ओके इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द टेस्टिस इन हैविंग अ ल्यूमेन इन प्लेस ऑफ द सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रैकस। सेमिनल वेसिकल्स की अगर बात कर लें तो वैसा डिफरेंस इज फॉलोड बाई अ मच थीकर वाइडर समवट मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब एंड इट इज नोन एज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या बोलते हैं इसको, सेमिनल वेसिकल, ये थोड़ा चौड़ा होगा और नॉर्मली स्ट्रेट होगा। इट लाइज इन द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द सूडोसील बिलो द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन के नीचे वाला हिस्सा जो होगा वहां पर सेमिनल वेसिकल आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जैसे नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज करते रहिए, मैं जैसे ही देखूंगा स्क्रीन पे आपको रिप्लाई करता रहूंगा। ओके ठीक है। इजुकुलेटरी डक्ट यानी जो ऐसा डक्ट जो कि स्पर्म को बाहर निकलने में मदद करेगा, इजुकुलेट करने में मदद करेगा। सो टर्मिनल पार्ट यानी लास्ट पार्ट आप कह सकते हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल नैरोज टू फॉर्म अ हाईली मस्कुलर इजेकुलेटरी डक्ट। स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं स्ट्रक्चर ना दिखाऊं, नोट्स भले आपको दूं या ना दूं, स्ट्रक्चर्स तो मैं दिखाऊंगा, बिना स्ट्रक्चर के तो मजा ही नहीं आता है, है ना। ओके तो बहुत ही हाईली मस्कुलर इजेकुलेटरी डक्ट होता है यहाँ पे। इट जॉइंस रेक्टम, याद रखेंगे कि मेल का सिस्टम और फीमेल के सिस्टम में डिफरेंस है, है ना। तो ये आप लास्ट वाले पार्ट को जरूर याद रखेंगे। इट जॉइंस द रेक्टम, रेक्टम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, है ना। सो इट जॉइंस द रेक्टम टू फॉर्म द क्लोका। तो रेक्टम और क्लोका नीचे के पार्ट में आके मिलते हैं और वहां पे क्लोका बनाते हैं, क्लोकल ओपनिंग बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका फाइनल जो सिक्रेशन है यानी इजेकुलेशन होना है, तो फाइनली ये कहाँ पे अपना इजेकुलेट फ्री करेगा, पहले क्लोका में। इजेकुलेटरी डक्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड हुज सिक्रेशन हेल्प इन द कॉपुलेशन। सो मुझे लगता है कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पे अशरफ जी आप पूछ रहे थे ना स्पिक्यूल, है ना, या पेनियल सिटी जिसको कहते हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए ये मेल की बहुत स्पेशल क्वालिटी है यहाँ पे, है ना, और ये कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर फीमेल में तो होगा नहीं, है ना। सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द क्लोका, किस साइड में, डॉर्सल साइड ऑफ द क्लोका एंड फॉर्म्ड बाई इवेजिनेशंस ऑफ द क्लोका देर इज अ पेयर ऑफ स्मॉल पेनियल सैक और स्पिकुलर पाउचेस, जो स्पिक्यूल्स के पाउचेस हैं वहाँ पे स्पिकुलर पाउचेस, ईच स्पिकुलर पाउच सिक्रीट्स एंड हाउसेस अ क्लब शेप्ड स्पिक्यूल।
कैसा है भाई? क्लब शेप्ड स्पिक्यूल और पेनियल सिटी एनक्लोज्ड इन अ स्पिकुलर शीथ एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कोर सराउंडेड बाय थिक क्यूटिकल द स्पिक्यूल्स ईच ऑफ 2 to 3.5 millimeter लॉन्ग कैन बी प्रोट्रूटेड एंड रिट्रैक्टेड, आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, आगे निकल भी सकते हैं यानी प्रोट्रूड भी कर सकते हैं और रिट्रैक्ट भी हो सकते हैं यानी पीछे भी आ सकते हैं थ्रू द क्लोकल अपर्चर, जो वहाँ पे क्लोकल एरिया बना है उसके थ्रू वो बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं, ओके, बाई स्पेशल प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे इस मसल का डेवलपमेंट हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा फंक्शन करते हैं, मतलब बढ़िया से ये डेवलप है, फंक्शन कर रहे हैं। और ये प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स धीरे धीरे आप देखेंगे कि एनालिट्स में भी कहीं ना कहीं मिलते हैं, यही आपके क्या बोलते हैं ऑर्थोपोड्स में भी मिलते हैं, यानी यहाँ से ये लगभग हर एक ऊपर वाले जो फाइलम से जो डेवलप हैं वहाँ पर ये मिलने शुरू होते हैं और अलग अलग पार्ट में, जैसे यहाँ तो आपको पेनल सिटी में देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं तो माउथ पार्ट में जो मैंडिबल होती है जहाँ पे वो क्या होते हैं अपने माउथ पार्ट को बाहर निकालते हैं फिर अंदर लाते हैं, तो वहाँ भी प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन धीरे धीरे कैसे अपने आप को डिज़ाइन कर रहा है। तो नेचर नेचर बहुत परफेक्ट है ना, नेचर ने बहुत सोच समझ के बनाया है, नेचर मतलब हमारी माँ, और माँ तो बच्चे को बहुत सोच समझ के ही डिज़ाइन करती है, यानी इवोल्यूशन बहुत ही सीक्वेंस में हुआ है, बहुत ही परफेक्ट हुआ है। हालांकि कुछ चीज़ें जो अचानक से बन गई थी, अचानक से डेवलप नहीं होना चाहिए था, तो फिर से रिट्रोग्रेसिव होता है और फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो कहीं कहीं आपको बहुत हाई एडवांस चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं पे आपको बहुत स्लो चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट नेचुरली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है और धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्पिक्यूल्स हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनोपोर फॉर कॉपुलेशन। तो अशरफ जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मिल गया हो तो यस टाइप कर दीजिएगा, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर और इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। यहाँ पे जो ए वाला है ये कंप्लीट सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बी वाला जो बी सेक्शन है, यहाँ पे फिगर नंबर 9 का बी देख रहे हैं, पोस्टीरियर एंड पार्ट ऑफ द एस्केरिस जो कि स्पेशली आपको दिखाने के लिए बना हुआ है ना। और उसके बाद सी वाला वेसर डेफरेंस जो यहाँ पे है उसको आप काट के टी एस के फॉर्म में देख रहे हैं, और डी वाला एक सिंगल स्पर्म जो यहाँ पे हम देखते हैं। आइए ए वाले को देख लेते हैं, ये माउथ पार्ट है जहाँ पे लिप है, लिप अबाउट माउथ यानी माउथ, तीन आपने देखा तीन लिप्स हैं जो माउथ को घेर के रखते हैं चारों ओर से, ओके। इसके नीचे फेरिंग्स पार्ट है और फेरिंग्स अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप सोच रहे हैं यहाँ क्यों बनाया है, क्योंकि लास्ट में ना डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग है, मतलब कि यहाँ पे जो आप कहते हैं रेक्टम है, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है रेक्टम है, ओके अशरफ जी, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे क्या है रेक्टम है, ओके। इसी रेक्टम के पास क्या होता है कि मेल जो क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वहाँ जाके मिलता है और क्लोका बनाता है, इसलिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी साथ में बना हुआ है, ओके। अब ये आप देख पा रहे हैं ये दिस आर व्हाट टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म बने, वेसर डेफरेंस में गया, वेसर डेफरेंस घूम करके थोड़ा सा मोटा पार्ट आप मिलेगा, थिक पार्ट मिलेगा सेमिनल वेसिकल, तो इसीलिए लिखा गया था कि सेमिनल वेसिकल काफ़ी थिक होता है। और फाइनली ये सेमिनल वेसिकल इजेकुलेटरी डक्ट से होता हुआ कहाँ पे ओपन होता है बेटा, ये होता है यहाँ पे जंक्शन पे, और ये है क्लोका, रेक्टम के साथ ये खुल जाता है, ये रेक्टम के अंदर ही खुलता है, वहाँ बनाते हैं क्लोका और फिर यहाँ से फाइनली इजेकुलेट बाहर की ओर ये निकलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू। अब मैं इसको जूम कर दूँ, है ना, यू कैन सी दिस, अगर यहाँ से आप देखना शुरू करते हो लिप अबाउट माउथ, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए बना हुआ है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम आगे जा करके यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ मैच करता है, यानी ओपनिंग प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है लास्ट में।
नीचे आप देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये टेस्टिस का पार्ट है। इसके बाद टेस्टिस बनने के बाद वेसर डेफरेंस में जाएगा, वेसर डेफरेंस कॉन्वोलेट होके सेमिनल वेसिकल में खुलेगी, सेमिनल वेसिकल के बाद ये लास्ट में इजेकुलेटरी डक्ट होंगे। इजेकुलेटरी डक्ट यहां पर रेक्टम में ओपन होंगे और कॉमन ओपनिंग में, एंड दे फॉर्म क्लोका, दे फॉर्म क्लोका। तो क्लोकल अपर्चर आपको अब दिख रहा होगा। फिर यहां से नीचे की ओर स्पिक्यूल्स, पीनियल स्पिक्यूल्स हैं, और इन पीनियल स्पिक्यूल्स की वजह से ही क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फीमेल के जो वेगिनल पार्ट है उसको ओपन करते हैं और फिर स्पर्म को इजेकुलेट किया जा सकता है, अंदर डाला जा सकता है फीमेल बॉडी में। तो पीनियल स्पिक्यूल्स केवल और केवल मेल में प्रेजेंट होगा, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, केवल और केवल मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में एब्सेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये बहुत ही बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से एक है। बी सेक्शन में कुछ नहीं है बेटा, उसी को बढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे रेक्टम में आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो इजेकुलेटरी डक्ट है, कैसे आके क्लोका बना रहा है मिल करके, और कैसे स्पिक्यूल्स के थ्रू वो बाहर निकलेगा। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स हैं। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बस मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आप एक बार देख पाओ, तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, देखिए ये इजेकुलेटरी डक्ट है और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का रेक्टम पार्ट है, और यहाँ पे आके ये कॉमन पैसेज की तरह ओपन हो रहा है। इजेकुलेटरी डक्ट यहाँ पे कॉमनली डाइजेस्टिव सिस्टम में रेक्टम के पास आके ओपन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ओपन होगा तो क्या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम और क्या बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट का कोई वो बंटवारा होगा कि नहीं। तो एक्चुअल में देखिए, रेक्टम वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्फिंक्चर प्रेजेंट होता है, है ना। जैसे कि ह्यूमन में भी क्या बोलते हैं, मेल जो होते हैं उसमें यूरिनो जेनेटल सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम एंड जेनेटल सिस्टम एक जगह आके मिल जाते हैं सेमिनल वेसिकल के आगे ही, ठीक ऐसा ही सिस्टम बनता है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ओके, यस इट इज लाइक पेनिस बट नॉट एग्जैक्टली पेनिस, नाम से आपको दिख रहा होगा पेनियल सिटी, है ना। तो लाइक पेनिस बट नॉट एग्जैक्टली पेनिस, ओके ओके ओके, इट्स ओके, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा ना कि कैसे कंट्रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कैसे बाहर निकलता है, इजेक्ट होता है, और इजेकुलेटरी डक्ट यानी जेनेटल सिस्टम की जो क्या होते हैं इजेकुलेशन है, वो कैसे बाहर निकलते हैं। तो ये काफ़ी कंट्रोल्ड मैनर में होता है, ओके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये स्पिक्यूल्स को बाहर निकलने और अंदर आने के लिए यहाँ पे दो मसल्स बने हैं, रिट्रैक्टर है यानी पीछे लाने के लिए, प्रोट्रैक्टर मसल्स हैं यानी आगे जाने के लिए। तो ये हेल्प करने में यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये एक सिंपल सा टीएस है और ये हमारा एक सिंपल सा स्पर्म है जो कि अमेबॉयड शेप का माना जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन आप देख पा रहे हैं। आगे की ओर एक्रोसोम है, बीच में न्यूक्लियस और कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, मेल के बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बिल्कुल एग्जामिन करेंगे, अदरवाइज हमारा जो डिस्कशन है वो अधूरा रह जाएगा, और इसके बाद तुरंत फिर हम लाइफ साइकिल पर मूव कर जाएंगे। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी बात करें तो यहाँ भी ओवरी एकदम थ्रेड के फॉर्म में होगी। इसके पहले वाले ऑर्गेनिज्म जो आपने पढ़े थे पीछे वाले, वहाँ पे देख रहे थे कि मेल और फीमेल काफ़ी डेवलप हो गया था वहाँ पे सिस्टम, है ना, ओवरी वगैरह बहुत अच्छे से बनने शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पे फिर से ओवरी और टेस्टिस में थोड़ा सा क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि एडवांसमेंट, जो इवोल्यूशन आगे जानी चाहिए थे, वो हल्का सा पीछे हो गया, लेकिन बाकी हिस्से बहुत डेवलप हो रहे हैं। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, ओवरी, ओवरी के बाद ये ओविडक्ट्स हैं, ओविडक्ट्स के बाद यूटेरस हैं, और यूटेरस के बाद यहाँ पे जो ओपनिंग है, लेट मी जूम दिस सो दैट यू कैन सी इट वेरी वेरी क्लियरली, है ना। ओवरी, ओवरी से एग बने, एग ये चलेगा कहाँ, आपके इस पोर्शन में यानी ओविडक्ट्स में, और ओविडक्ट फाइनली ब्रॉडर पार्ट होके कहाँ मिलता है बेटा, ये यूटेरस में। अब यूटेरस जो है ना,
यूटेरस की अगर आप ओपनिंग देखें ये तो ऊपर की ओर है, ये कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ओपन नहीं हो रहा है जैसा कि मेल में हो रहा था, ये बिल्कुल ऊपर की ओर आ रहा है। दिस इज व्हाट पर्टिकुलरली वेजाइनल पोर्शन, वल्वा। वल्वा अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े वहाँ वेजाइना तो था, वल्वा नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे वल्वा पोजिशन भी बन रही है, यानी थोड़ा सा एडवांसमेंट आ रहा है, पर्टिकुलर रिसीविंग ऑर्गन यहाँ पे और अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो ये वल्वा रीजन है और नीचे वेजाइनल पोर्शन है, देख पा रहे हैं ना, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो दिस इज द व्हाट वेरी पिकुलियर डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये पीछे वाले ऑर्गेनिज्म से भी काफ़ी डिफरेंट हो गए। सो आई थिंक मेल एंड फीमेल से रिप्रोडक्टिव सिस्टम या अभी तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर देखे कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एम आई क्लियर ना। अब देखिए जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जायज सी बात है कि ये नियर बाई कंडीशंस में आते हैं, और जो नज़दीक पहुंचते हैं तो आपने देखा स्पिक्यूल्स हैं, तो मेल अपना इजुकुलेटरी डक्ट और स्पिक्यूल की मदद से, पेनियल स्पिक्यूल की मदद से यहाँ पे स्पर्म्स को एंटर करने देता है, कहाँ पे, वेगिनल पोर्शन पे, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट का डेवलपमेंट शुरू शुरू में यहाँ यूटेरस वाली कंडीशंस में हो रहा है। तो चलिए फर्टिलाइजेशन के आगे की कहानी देखते हैं, यानी क्लीवेज, यानी अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पर्टिकुलरली लाइफ साइकिल वाले पार्ट पे आ चुके हैं, लाइफ हिस्ट्री का एक हिस्ट्री वाला हिस्सा खत्म, और अब दूसरा हिस्ट्री यानी जिसको हम साइकिल पार्ट कहते हैं, तो लाइफ साइकिल के हम पर्टिकुलर पार्ट पे आ चुके हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है ये, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, तो नाम आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, बट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ें, ओके, सो जाइगोट बन गया है, फर्टिलाइजेशन, एग फर्टिलाइज हो गई है, जाइगोट बन गया है, तो बिल्कुल ये अब ये 2N स्ट्रक्चर है। इसमें अब क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत मॉडिफिकेशन है, याद रखेंगे यहाँ पे जो क्लीवेज या अर्ली डेवलपमेंट है यहाँ पे बहुत मॉडिफिकेशन है, पीछे के जो भी आपने ऑर्गेनिज्म पढ़े वहाँ पे ठीक है डिवाइड हो रहे थे, लेकिन यहाँ के जो डिवीज़न है काफ़ी डिफरेंट होंगे, नाम आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीवेज इज ऑफ स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप। पहली बात तो यहाँ पे स्पाइरल क्लीवेज होगा, कैसा क्लीवेज होगा, स्पाइरल क्लीवेज होगा। अभी तक आप होलोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ रहे थे, होलोब्लास्टिक में इक्वल और अनइक्वल पढ़ रहे थे, अब यहाँ से क्या स्पाइरल क्लीवेज हो गया, तो प्लीज़ नोट करते रहिए मॉडिफिकेशंस को। फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट्स इन द डॉर्सल, अब उसका नाम हमने ए बी रखा है, एंड वेंट्रल दैट इज पी सेल। तो यहाँ पे मैं आपको आगे स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, जो पहला डिवीज़न होगा इसमें जो डॉर्सल सेल होगी उसको हम ए बी कहेंगे, और जो वेंट्रल सेल होगी उसको हम पी सेल कहेंगे, ठीक है ना, इसी नाम से हम आगे पढ़ेंगे भी, और यही नाम आपको याद रखना है। तो जो पहला डिवीज़न होगा जाइगोट में जो पहला डिवीज़न होगा, फर्स्ट डिवीज़न, इसमें दो पार्ट इस तरह से दो सेल बनेंगी, तो ये जो डॉर्सल वाली होगी इसको आप बोलोगे बेटा ए बी सेल, और नीचे वाले को बोलेंगे पी सेल, क्या बोलेंगे, पी सेल, ये पी ओ नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए था, वो टाइपिंग एरर हो जाता है, इसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं फिर भी आपको बताऊंगा ही। ये समझ में आ गया ना, तो जब दो सेल बनती हैं तो पहली जो डॉर्सल साइड वाली इसको आप बोलेंगे ए बी, और नीचे जो दूसरी सेल होगी उसको बोलेंगे वेंट्रल साइड वाली, उसको बोलेंगे पी सेल, ये आप याद रखेंगे, पहला तो चेंज यहीं पे आ गया। दूसरा, डॉर्सल सेल्स डिवाइड इनटू एन एंटीरियर ए एंड पोस्टीरियर बी, तो जो ए बी है वो फिर से डिवाइड होगा, जो ऊपर वाला ए बी था है ना, वो फिर से डिवाइड होगा, एक होगा एंटीरियर ए और एक होगा पोस्टीरियर बी, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेल में ये डिवाइड हो गए, याद करते हुए चलिए, बस सुनते हुए चलिए, डॉर्सल सेल डिवाइड हो गई ए और बी के फॉर्म में, वेंट्रल सेल डिवाइड होगी तो अपर एंड लोअर सेल बनाएगी, जो अपर सेल होगी उसको ई एम एस टी बोला जाएगा, जो अपर सेल होगी उसको क्या बोलेंगे, ई एम एस टी, और जो लोअर सेल होगी उसको बोलेंगे पी टू, उसको क्या बोलेंगे, पी टू, और जबकि पहली जो वेंट्रल सेल बनी थी वो थी पी वन, वो क्या थी, पी वन,
ये समझ में आ रहा है? ओके, द फोर सेल्ड एम्ब्रियो दस फॉर्म्ड इज फर्स्ट टी शेप्ड, यानी जो शुरू शुरू में बनेगा वो कुछ इस तरह की बनावट के साथ होगा, है ना। ये देखने में कैसा दिख रहा है? ये देखने में लग रहा है कि टी है, तो इसीलिए जो पहला चार सेल वाला एम्ब्रियो बनता है उसको टी शेप्ड नाम दिया गया है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ रहा है, आगे फिगर में हम देखेंगे तो और भी क्लियर होगा, इसीलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में। ओके, बट सून बिकम्स रोमबॉइडल एंड पी टू कम्स टू लाई पोस्टीरियर टू द ई एम एस टी के पोस्टीरियर की तरफ पी टू चले आती हैं। द नेक्स्ट क्लीवेज दैट इज ए एंड बी डिवाइड इन टू राइट एंड लेफ्ट ए वन ए टू बी वन ये बी है, ठीक है ना, तो और ये वन है। बहुत सारे टाइपिंग एरर हो जाते हैं भाई जल्दी जल्दी में। सो ए वन ए टू बी वन बी टू, तो चार सेल यहाँ पे फिर से बन जाते हैं। और ई एम एस टी डिवाइड होती है तो ई अलग होता है और एम एस टी अलग होता है, मतलब ई एम एस टी जब डिवाइड होगा तो उससे बनेगा ई और बनेगा एम एस टी, तो दो सेल ये हो जाती हैं, है ना। तो यानी अब हर एक दो दो सेल में कन्वर्ट हो जा रही हैं। इसी तरह से जो पी टू है वो डिवाइड हो जाएगी तो बनेगी, डिवाइड होकर बनेगा उसमें पी थ्री, और जो नेक्स्ट उससे सेल बनेगी वो बनेगी सी, पी थ्री एंड सी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल यहाँ पे बन रहे हैं। फर्दर जो एक मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रमुख सेल हैं ए बी पी टू ई एम एस टी, और इस तरह से ये अलग होते हैं। ये है बी वन, ये है बी टू, ये है ए वन ए टू। ई एम एस टी फर्दर डिवाइड होते हैं तो ई अलग होता है और एम एस टी अलग होता है, और पी टू फर्दर डिवाइड होते हैं तो आगे के स्टेजेस में आपको दिखा ही देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज रहेंगे। ई एम एस टी फर्दर डिवाइड होता है तो बनता है एम एस टी एंड ई, है ना, और जब पी डिवाइड होता है तो बनता है पी थ्री एंड सी, पी थ्री एंड सी। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट की स्टेजेस आती हैं, बस आप एक बार नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। फर्दर और डिवीजन होगा तो ई वन ई टू एंड पी थ्री पी फोर एंड डी में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कुल मिला के आगे की स्टेजेस अब डेवलप हो रही हैं। फर्दर जो पी फोर होगा वो जी वन और जी टू में डिवाइड हो जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट जो सेल बनी हैं इनका क्या फंक्शन है? नॉर्मली आपको क्या पढ़ना है? आपको इसका फेट ही पढ़ना है। ये आपको याद हो या ना हो, ये CSIR के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो CSIR के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो नॉर्मली प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल की, उनके लिए फेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या जो TGT PGT तैयार कर रहे हैं, है ना। डिसेंडेंट्स ऑफ ए एंड बी गिव राइज टू द एक्टोडर्म, ये आप याद रखेंगे। यानी ए और बी जो सेल होती हैं इससे क्या बनेगा भाई? इससे बनेगा एक्टोडर्म, यानी बाहर वाली लेयर बनेगी। एम एस टी गिव राइज मीजोडर्म, ठीक है, एंड टू द एक्टोडर्म ऑफ फोरगट। तो नॉर्मली जो क्या होते हैं, एम एस टी होगी वो बनाएगी मीजोडर्म, लेकिन जो फोरगट होगा वहां पे बनाएगी फोरगट के अंदर, यानी आगे वाला जो माउथ वाला पोर्शन है फोरगट में, ये बनाएंगे क्या? एक्टोडर्म क्लियर। क्या बनाएंगे? एक्टोडर्म बनाएंगे। तो यहां से कहीं कोई दिक्कत है ना? मुझे तो नहीं लगता, फिलहाल एकदम मस्त है, बढ़िया तो दिख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे जो ई वन, ये बार बार ई टी हो गया है, मुझे लगता है टाइपिंग एरर में लैपटॉप वगैरह भी ऐसे ही होते हैं, कुछ वर्ड्स को खुद ही ले लेते हैं। सो ये ई वन और ई टू जो होंगे फर्दर, ये एंडोडर्म को डिज़ाइन करेंगे। ई वन एंड ई टू की जो डिसेंडेंट्स होंगी ना, वो क्या बनाएंगी? वो बनाएंगी एंडोडर्म। क्या बनाएंगे? एंडोडर्म। तो यहाँ तक कहीं कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत?
नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीवन और जी टू जर्म सेल प्राइमोर्डियम बनाएंगे, जीवन और जी टू जर्म सेल प्राइमोर्डियम्स बनाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सी एंड डी टुगेदर गिव राइज टू द एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तो बहुत सारी अलग अलग सेल लेयर्स मिल करके खूब ढेर सारे मॉडिफिकेशंस यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टडी हुई है, इसीलिए एक एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए प्राइमरी ऊसाइट है और ये स्पर्म आपका रीच आउट कर रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, एग बन गया और इस तरह से ये पूरा एग आपको देखने को मिल रहा है। एग के ऊपर काफ़ी सारी कवरिंग है, काइटिनस सेल्स भी होती हैं, आउटर प्रोटीन लेयर है, बीच में जाइगोट है, लिपॉइड लेयर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जब बन जाता है, जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, पहला जो क्लीवेज होगा उसमें डॉर्सल ए बी सेल बनेंगी उस और दूसरी जो सेल बनती है उसको हम वेंट्रल पी वन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रल पी वन सेल कहते हैं। फर्दर ए सेल में डिविजन होता है तो ए सेल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एंटीरियर ए एंड बी, पोस्टीरियर बी सेल में बंट जाते हैं। और ये जो नीचे वाली सेल है पी वन, जब ये डिवाइड होती है तो ये भी दो सेल बनाती है, जो अपर वाली सेल होती है ऊपर वाली उसको ई एम एस टी सेल कहते हैं और नीचे वाली क्या है लोअर पी टू सेल है। और ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर अब आपको देखने को मिल रहा है, ये फोर सेल स्ट्रक्चर होते हैं तो टी शेप बनाते हैं। तो याद रखेंगे कि जब ये फोर सेल स्ट्रक्चर होंगे तब ये कैसे दिखने लगते हैं, टी की तरह दिखने शुरू हो जाते हैं। कैसे दिखते हैं? टी की तरह दिखते हैं। ओके, तो सबको सुनाई दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर फर्दर मॉडिफाई होंगे और ये जो चार सेल हैं ये फर्दर मॉडिफाई होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं रॉम्बस लाइक स्ट्रक्चर में, यानी रोम्बॉइडल फोर सेल स्टिच बनाते हैं। क्या करते हैं? रोम्बॉइडल फोर सेल स्टिच बनाते हैं। फिर अब जाके ये मॉडिफिकेशन जब हो जाएगा, रोम्बॉइडल फोर सेल स्ट्रक्चर जब बन जाएंगे, रोम्बस स्ट्रक्चर में जब आ जाएंगे, फर्दर फिर से यहाँ डिविजन स्टार्ट होता है। और आप देख पा रहे हैं कि ए और बी में फिर से ए वन ए टू बी वन बी टू बन गए और ये फ्यूचर एक्टोडर्म के लिए रिस्पॉन्स, ये फेट तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, है ना, तो फ्यूचर एक्टोडर्म की तरह ये बिहेव करना शुरू करते हैं। नीचे अब ये सिक्स सेल्ड स्टेज है, यहाँ पे साथ में ही ई एम एस टी और पी टू को डिवाइड करता हुआ नहीं दिखाया है क्योंकि पहले सिक्स सेल स्टेज आती है और फिर उसके बाद पी टू और ई एम एस टी डिवाइड करते हैं और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट जर्म लेयर्स की सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम लेयर्स देख लेते हैं फिर नोट्स पे आ जाएंगे। अब देखिए नीचे क्या एट सेल्ड स्ट्रक्चर होंगे, तो उसके लिए क्या करना, ऊपर की जो लेयर्स हैं ए वन ए टू बी वन बी टू वो तो एज इट इज हैं। अब जो यहाँ पे नीचे पी टू सेल थी उसमें डिविजन होता है तो पी थ्री सेल बनती है और सी सेल बनती है साथ में। ई एम एस टी डिवाइड होते हैं तो ई अलग होती है और एम एस टी अलग होते हैं और एम एस टी से मीजोडर्म बनता है और ई से एंडोडर्म बनता है। आप नाम से ही देख के समझ पा रहे होंगे, है ना। एट सेल्ड के बाद सिक्सटीन सेल्ड स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से ब्लास्टूला बनना शुरू होता है। आप देख रहे हैं अब ये जो सी वाली हैं ये क्या कर रहे हैं, बाहर की अपनी लेयर्स बनाने शुरू करती हैं। ई वन ई टू इकट्ठे हो गए, बीच में ब्लास्टोसील बन रहा है। ई वन ई टू आपको पता है अंदर एंडोडर्म बनाएंगे, यहाँ पे पी के जितने भी लिनियजेस आएंगे वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि अब इनका फेट बनना शुरू हो चुका है। तो आइए पहले ब्लास्टूला का हम स्लाइड पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं आगे की पूरी कहानी खत्म करूंगा, ये खत्म हो जाएगी, लास्ट स्लाइड है। ओके, 16 सेल्ड, अब हम लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। 16 सेल्ड एम्ब्रियो अटेन द फॉर्म ऑफ होलो बॉल एंड इट इज टर्म्ड एज ब्लास्टूला एंड इट्स कैविटी इज टर्म्ड एज ब्लास्टोसील। तो जो 16 सेल की स्टेज बनी है, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ये ब्लास्टूला है और उसके अंदर जो कैविटी है सील यानी ब्लास्टोसील है। ब्लास्टूला अंडरगोज अ प्रोसेस ऑफ
इन इमेजिनेशन अंदर की ओर घूमता है, स्ट्रक्चर में आपने देखा, और गैस्ट्रूला बना लेगा। जब इन इमेजिनेशन होगा तो गैस्ट्रूला बनाएगा। इट ग्रोज इन लेंथ टू बिकम एन एक्टिव जुवेनाइल, 10 से 14 दिन में वो एक्टिव जुवेनाइल स्टेज को पालेगा, ठीक है ना। तो क्लीवेज होने के 10 से 14 दिन के अंदर एक्टिव जुवेनाइल स्टेज में पहुंच जाएंगे। जुवेनाइल हैज एन एलिमेंटरी कैनाल एंड अ नर्व रिंग एंड लार्वल एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये याद रखेंगे। मतलब मैच्योर एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं, वो एच वाली नहीं, आपने यहाँ देखा था ना, वो नॉर्मली कुछ इस तरह का बना हुआ स्ट्रक्चर था, लाइक दिस, कुछ ऐसा बना हुआ था, है ना। तो ऐसा नहीं, ये तो एडल्ट में आपने देखा था, लार्वल की बात हो रही, लार्वल एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। फॉर इट्स, अब ये क्या क्लोज रिजम्बलेंस रखेंगे किससे, रैप्टिडीज फॉर्म से, निमेटोड में जाते हैं इसको, इसलिए रैप्टिडी फॉर्म लार्वा कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा भी जाता है भाई यहाँ लार्वा क्या है, आपको याद होना चाहिए लार्वा क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। फॉर इट्स क्लोज रिजम्बलेंस विद द निमेटोड जीनस रैप्टिडीज फाउंड इन द सॉइल एंड ह्यूमन फीकस, द जुवेनाइल इज ऑल्सो टर्म्ड एज रैब्डिटॉइड और रैबडिटी फॉर्म लार्वा, याद रहेगा ना। ओके, इट इज नॉन इन्फेक्टिव, ये जो लार्वा ये नॉन इन्फेक्टिव है। इन अनदर वीक, यानी एक और वीक बीत जाएगा भाई, 2 हफ्ते लगते हैं इनको इस फॉर्म में आने में, रैबडिटी फॉर्म लार्वा बनने में, और 21 से 22 दिन लग जाते हैं इनको और थोड़ा मैच्योर होने में, यानी एक और हफ्ता जब बीत जाएगा, ठीक है। इट मोल्ड्स विद इन द एग शेल एंड बिकम द सेकेंड स्टेज ऑफ रैबडिटॉइड विच इज कैपेबल ऑफ फीडिंग या इन्फेक्टिंग द होस्ट, जो होस्ट के अंदर जाके फीडिंग या इन्फेक्शन कर सकता है, वो नेक्स्ट स्टेज होता है, यानी रैप्टिडी फॉर्म लार्वा का नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है। अंडर द सुटेबल कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, इन्फेक्टिव एक्स ऑफ एस्करस लम्बरिकॉइटस आर नोन टू रिमेन वायबल फॉर About 6 years, 6 साल तक आराम से ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आराम से इस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो देखो बेटा, जो ये ब्लास्टूला आपने देखा था, यहीं पे क्या होता है, अंदर की ओर ये घूमना शुरू कर देते हैं, इमेजिनेशन करना शुरू करता है, और यहाँ से फिर जब ये अंदर की ओर जाते हैं तो स्टोमेडियम, ये आप कह सकते हैं फोरगट, बनाना शुरू करते हैं, और इसको हम कहते हैं गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस से बन गया गैस्ट्रूला। फर्दर ये थोड़ा सा और मॉडिफाई होगा, और आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर जुवेनाइल का डेवलपमेंट हो चुका है। अब यही जुवेनाइल, क्योंकि आपने देखा नेमेटोड से मेल खाता हुआ सा है, रैबडिटी फॉर्म से, है ना, तो इसी तरह से फिर ये क्या